हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, यू आर मोस्ट वेलकम। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसको बनाने के लिए मैंने अपने डॉक्टर्स फ्रेंड से पहले डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने इसके आप लोगों के ईमेल और इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया, और फिर उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग अपने 5 मिनट का फोकस मेरी तरफ रखो, और उसके बाद एट द एंड पे वीडियो पे मैं आप लोग को अपनी मिस्टेक्स भी शेयर करूंगा। तो अभी हम लोग पहले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई एमडी कैट स्टूडेंट्स गेट डीमोटिवेटेड। तो इसका आंसर ये है कि असल में ये होता है कि हम लोग तमाम आप लोग पहले 100% फोकस करके लेक्चर देते हो, उसके बाद घर जाके प्रैक्टिस भी अच्छे से करते हो, फिर जब टेस्ट पेपर होता है तो उसके अंदर एमसीक्यूज कुछ ऐसे होते हैं जो टफ बनाए हुए होते हैं, जो आप करते हो और नहीं हो रहे होते हो, और वो गलत हो जाते हैं। मीन के 5 से 10 या प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर 10 से 15 भी गलत हो जाते हैं, तो फिर हम खुद को ही जजमेंट पॉइंट पे लेके जाते हैं और कहते हैं यार अभी इधर इतने ज़्यादा एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं, तो पता नहीं कब पेपर में जाके मेरा क्या बनेगा। तो जब भी कोई ये सोचता है तो ऑब्वियसली डीमोटिवेट तो हर कोई होता है, तो ये कोई आपके साथ नहीं हो रहा, ये ऑब्वियसली सारों के साथ इस तरह होता है। तो इसका आंसर सिंपल ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने टेस्ट के बाद डिस्कशन क्लास ज़रूर लेनी है, और उसके बाद मिस्टेक्स की, अब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी बुक बना लो और उसके ऊपर लिखते रहो, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होगा और इतना से ज़्यादा टाइम, मतलब जस्ट जो मिस्टेक हुई है ना उसका कॉन्सेप्ट को नोट कर लो, और बाकी मतलब पूरी स्टेटमेंट वगैरह लिखने की जरूरत बस नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ लेना, ताकि कुछ हद तक नेक्स्ट टाइम और अच्छा कर सको। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रोविंस की बुक्स यूज़ करनी चाहिए। तो इसकी बात यह है कि एक तो ये एमडीकैट कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट कंडक्ट कर रहा है किस प्रोविंस के अंदर, पीएमसी, पीएमडीसी, यूएचएस वगैरह, पहली चीज़ ये। लेकिन अभी क्योंकि मैं प्रोविंस पंजाब से हूँ, तो मैं सिर्फ पंजाब को टारगेट कर रहा हूँ, तो इसके लिए सिंपल कहूँगा कि बायो के लिए फेडरल और पीटीपी को ज़रूर देखो, और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एक ही बुक चल सकती है, मतलब पीटीपी यूज़ कर लो या फेडरल, ऑलमोस्ट वैसे पीटीपी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो वो कर लो। इंग्लिश के तो रूल्स ही होते हैं, तो वो रूल्स को रख लो, और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह पे, और साथ में जस्ट मानी प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके बाद नेक्स्ट है, हाउ मच टाइम शुड बी गिवन टू ईच सब्जेक्ट। तो इसके लिए सिंपल बात यह है कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। मिसाल के तौर पे आपको बायो आसान लगती है, इंग्लिश आसान लगती है, और केमिस्ट्री भी थोड़ी सी आसान लगती है, लेकिन फिजिक्स मुश्किल लगती है और केमिस्ट्री भी थोड़ी। तो आप लोग किस तरह करो, अपने आपके अपने मुताबिक, मीन के मुझे इस पर थोड़ा टाइम लगता है तो उस पर थोड़ा, जो वीक है उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा लो, और रिमेनिंग टाइम उसको भी प्रैक्टिस पे शिफ्ट कर दो। और उसके बाद हम लोगों ने एक और है कि मीन क्या लाइन बाय लाइन चीज़ों को याद करना ज़रूरी है। तो इसका आंसर किसी हद तक हाँ है, लेकिन कम्प्लीटली नहीं है, क्योंकि बायो में तो कुछ टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज तो सेम ही आती होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह में भी कुछ हद तक इस तरह होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टॉपिक को पूरा ही एकदम रट्टे की तरह याद किया हो, जस्ट ऑनली इस तरह पढ़ा हो कि पता हो कि इसका ये चीज़ होती है, इस तरह ये चीज़ होती है। और उसके बाद अभी हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो क्या बात है कि भाई क्या हमें अपना स्केड्यूल साथ बनाना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ लिंक हो और एकेडमी वगैरह के साथ, और उसका एक स्केड्यूल है, तो फिर आप लोग कोशिश करो कि अपना स्केड्यूल ना बनाओ, उसी को फॉलो करो, उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लो, अपना टाइम टेबल के मुताबिक, ना कि स्केड्यूल मतलब कि अलग से बना लो मैंने इस पे ये चीज़ आज पढ़ाई लेकिन एक्स्ट्रा ये चीज़ करनी है, तो उस तरह की बात नहीं कर रहा, उसी को टाइम टेबल बना लो कि इस पे मैंने इतना ज़्यादा अच्छा करना है, इस पे इतना अच्छा करना है, ना कि एक अलग से टाइम टेबल, इससे आप लोग उलझ जाओगे और अच्छा नहीं कर पाओगे। और उसके बाद नेक्स्ट है कि भाई आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आते हैं, पूछना क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी बात, इसका आंसर ये है कि अगर 22 को टारगेट करके ऑनवर्ड बात करूँ, 21 एक्सेप्शनल केस है, तो इसके अंदर आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज की रेशियो बहुत कम है, लेकिन टफनेस वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा, टफनेस बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज 5 से 10 तक होंगे, अगर आए भी तो आप 190 जो रिमेनिंग है उस पर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं ना कर सकते, अगर वो 10 भी आते हैं तो ईजी होके रहो, इससे इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है।
और FSC और MDCAT की प्रेपरेशन में जो मेन डिफरेंस है ना, वहाँ पे FSC में फुल ब्रेन स्ट्रॉमिंग नहीं हो रही होती, लेकिन जो MDCAT होता है इस पर ब्रेन स्ट्रॉमिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो इसलिए MCQs करते हुए थोड़ा सा सोच लो, मतलब पूरी लाइन को पढ़ो, और अगर एक MCQs पे 1 मिनट लगता है तो लगाओ, ये नहीं कि 10-15 मिनट में MCQs को मतलब जल्दी से ज़्यादा MCQs करने के चक्कर में आप लोग अपने MCQs को गलत कर दोगे ज़्यादा। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि जो प्रॉब्लम फ्रेशर को खास तौर पे क्या होती है, प्रॉब्लम फ्रेशर को एक टाइम मैनेजमेंट की होती है, उसके बाद पेपर्स में बबल्स आने हैं, और बबल्स के लिए आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करनी पड़नी है। तो इसके लिए आप लोगों को प्लीज़, मैंने काफ़ी बच्चों को देखा था उस दिन हमारे साथ ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने पेपर्स पे तो हल्के हल्के डॉट लगा लिए थे कि ये, लेकिन उनसे बबल नहीं फील हुई, बॉल पॉइंट से बबल फील करना थोड़ा टफ हो जाता है, तो इस पे थोड़ा सा काम करना। और ऑब्वियसली मार्कर वहाँ पे नहीं लिखा था, अगर मार्कर यूज़ करेंगे तो वो एक तरफ से करेंगे, मे बी वो इतना ब्रीच सा सफा होता है वो फट के दूसरी तरफ मार्कर का इंक ही ना आ जाए, तो इसलिए मार्कर नहीं यूज़ करना। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा अपना, और मैं ये कहना चाह रहा था कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे भी इम्पोर्टेंस दो, मीन कि आप लोगों को जो चीज़ें आसान लगती हैं या फिर मुझे इस तरह ये चीज़ अच्छी आ जाती है, मुझे हर चीज़ के लिए दूसरों को फॉलो करना लाजमी नहीं है। जो पहले गुजर के गए हैं इन फेजेस से, उन्होंने भी कुछ अपने नए रूट्स बनाए हैं, तो अपने रूट्स को भी थोड़ा सा ध्यान में रखो कि मैं इसको और बेस्ट इस तरह कर सकता हूँ, और ना कि हर चीज़ के लिए दूसरों को फॉलो करना। इस वीडियो में एक्चुअली जस्ट आपको जो पॉइंट्स अच्छे लगेंगे सिर्फ आप वही पिक करेंगे, बाकी रिमेनिंग को जाने देंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा, और प्लीज़ यार खुद को ना इतना उलझाओ नहीं चीज़ों के अंदर, मीन के इसका कहने का मतलब कि नोट्स वगैरह अगर अपने टीचर्स के नोट्स ले रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस बुक्स यूज़ कर रहे हो, अब ये नहीं हो कि मेरे भाई के भी नोट्स पढ़े हैं, मेरे कज़न के भी नोट्स पढ़े हैं, मेरे भाई के दूसरे दोस्त दूसरे इंस्टीट्यूट में MDCAT की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके नोट्स आ गए, उसके पेपर उधर से आ गए, मीन इस तरह तो खुद को जितना ज़्यादा उलझाते जाओगे उतना ज़्यादा उलझते जाओगे, इस तरह नहीं करना। थोड़ा सा अपने आप को लिमिटेड रख के काम करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद ये है कि चीजों को सिंपल रखो जितना पॉसिबल हो सके। और अब अपनी बात करूँ और टू बी ऑनेस्ट बात करूँ तो वैसे अपनी तरफ से तो मैंने बेस्ट ट्राई की थी, लेकिन जो फिर भी मेरी वीक पॉइंट थी वो थी टाइम मैनेजमेंट। तो ये होता था कि मैंने भी इसी तरह किया होता था कि टाइम हर सब्जेक्ट के मुताबिक, लेकिन ऑब्वियसली मुझे काफ़ी चीज़ें आती होती थी उन पर भी मैं दोबारा टाइम वेस्ट कर रहा होता था। और दूसरी चीज़ जो थी वो थी ये जो सब्जेक्ट मतलब बुक्स अनसर्टेनिटी होती थी कि हमें ये चीज़ पाकिस्तान का पता नहीं एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या, मतलब एट अ टाइम चेंज करके कह देते PMC लेगा PMDC लेगा, उस टाइम भी यही मसला चल रहा था। पहले था कि ऑनलाइन होगा 22 में, फिर उसके बाद पता चला है कि USS ने कहा है कि मैं कॉन्टेक्ट करूंगा उसके पहले PMC, मतलब ये जो चीज़ है ना अनसर्टेनिटी, कभी सिलेबस में कभी किस चीज़, ये चीज़ ने बहुत परेशान किया। उसके अलावा मीन के ये था कि थोड़ा सा ना मैं अगर थोड़े से स्ट्रेटजी लगाता चीज़ों को और सॉर्ट आउट करता और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट और अच्छा करता, और उसके अलावा मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस मज़ीद ज़्यादा करता, ऑब्वियसली हो जाना था, लेकिन अब नहीं हुआ तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो ऑब्वियसली आप लोगों को वेरी विश यू गुड लक डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो शायद मैं इसके बाद ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि MDCAT के बाद क्या सिचुएशन हुई थी, किस तरह के फेजेज हुए थे। तो विश यू गुड लक, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।